नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज़। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। 6 जुलाई को भाजपा ने देश भर में अपने संस्थापक को किया याद, अर्पित की श्रद्धांजलि। सरकारी आदेश के बाद भी जुबली पार्क बंद रखे जाने का शहरवासियों ने जताया विरोध। कांग्रेस नेताओं ने भी दिया समर्थन, कहा आगे होगा आंदोलन। जिले में निजी स्कूल प्रबंधन मनमानी तरीके से बढ़ा रहे हैं फीस, अभिभावकों ने जताया विरोध। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के द्वारा 6 जुलाई को देश भर में अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती को मनाया। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में भी जयंती के मौके पर तमाम भाजपा नेताओं ने अपने संस्थापक को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं प्रदेश और जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौके पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही पहली बार कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक देश एक विधान का नारा दिया था और उसी नारे पर कायम रहते हुए उन्होंने अपना बलिदान भी दिया था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसी सपने को साकार करते हुए कश्मीर से धारा 370 और 35 ए को हटाया गया और अब कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का अंग हो गया है। उनके दिए गए आदर्शों पर आज पूरा देश चल रहा है। उनके जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन करता है। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जो आज भारतीय जनता पार्टी का विराट रूप देख रहे हैं, उसका शंखनाद 1951 में उस समय के तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार आजादी के बाद जिस तरह हिंदुओं के साथ पाकिस्तान के द्वारा अत्याचार हो, उससे क्षुब्ध होकर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर उन्होंने महसूस किया कि देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जिसकी राजनीति देश के लिए, और 1951 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हमारे परम पूज्य गुरु जी गोलकर जी से संपर्क कर जनसंघ की स्थापना, और तब से डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उनकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो विरासत में हमें मिली थी, आज जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के एक सभी कार्यकर्ता उस विरासत के को बढ़ाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो सोच डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने जो आंदोलन शुरुआत की थी, एक देश में एक संविधान, एक देश में एक विधान, एक देश में एक देश, उस सपने को साकार करने का काम हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। इधर भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई और जमशेदपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक स्मारक स्थल बनाए जाने की मांग टाटा स्टील प्रबंधन से की गई। इस संबंध में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के नेता सरयू राय ने बताया कि उनके विधानसभा में यह प्रस्ताव लाया जाएगा कि देश के महान विभूतियों का स्मारक बनाया जाए ताकि महापुरुषों की यादें ताजा रहे। जी की जयंती है। 52 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश और दुनिया में भारत के लिए ऐतिहासिक काम किया। राष्ट्रव्यक्ति की धारा पर आधारित राजनीति ग्रहण का उन्होंने गठन किया और कश्मीर को भारत से अलग करने की जो साजिश हो रही थी उसका विरोध किया, 370 धारा का विरोध किया। उन्हीं की बदौलत आज कश्मीर भारत के साथ है और जो अन्याय हो रहा था, जो हिंदू विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए थे उनके लिए उन्होंने ठोस उपाय कराने का प्रयास किया। नहीं हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले उद्योग मंत्री इस देश के बने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। जमशेदपुर भी इस देश का पहला औद्योगिक शहर है, इसलिए देश के पहले स्वदेशी औद्योगिक शहर में
राष्ट्रभक्ति की भावना से भरपूर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का एक स्मारक बनना चाहिए। स्मारक प्रतिमा स्थापित करके बन सकता है, स्मारक भवन के रूप में बन सकता है। इसलिए आज हमने प्रस्ताव पास किया कि हम टाटा स्टील लिमिटेड से कंपनी से बात करें, एक अच्छी जगह है जहाँ पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का स्मारक बनाया जा सके, देश के पहले उद्योग मंत्री का स्मारक बनाया जा सके। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरे लहर से धीरे धीरे अब जनजीवन सामान्य हो रहा है। इधर झारखंड सरकार द्वारा कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत मिनी लॉकडाउन में भी धीरे धीरे ढील दी जा रही है। इसी ढील के तहत राज्य सरकार द्वारा पार्क और मल्टीपर्पज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कोविड 19 प्रोटोकॉल के तहत खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। इधर झारखंड के सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक जुबली पार्क को जिला प्रशासन द्वारा खोलने का निर्देश नहीं दिया गया है। इसको लेकर शहरवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस भी जिला प्रशासन के इस रवैये को लेकर आक्रोशित है। शहरवासियों ने जिले के उपायुक्त से जुबली पार्क को पुनः खोले जाने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने इसे साजिश करार देते हुए जिले के उपायुक्त से मांग की है कि आखिर किन परिस्थितियों में जुबली पार्क को खोलने का आदेश जारी नहीं किया गया है। सभी यहाँ पर एकत्रित हुए थे कि जुबली पार्क को भी जो है गाइडलाइन के तहत इसको भी खोला जाए। जब अनलॉक के तहत सारे पार्क खुल रहे हैं तो जुबली पार्क क्यों नहीं खुलेगा? आप लोग पूर्व में भी देखे होंगे कि सारे पार्क खोले गए थे लेकिन जुबली पार्क बंद था। तो आखिर ऐसा क्यों, मतलब टाटा स्टील का दोहरा नीति है कि जुबली पार्क को ऐसा बंद रखा जाता है? हम लोग सारे लोग जो है वॉकर्स यहाँ पे मांग करते हैं कि अविलंब यहाँ पर गाइडलाइन के तहत जुबली पार्क को भी खोला जाए। आ रहा है कि बहुत लोग डायबिटीज की जैसे बीमारी से जो आपका जो पीड़ित है, बहुत लोग जो बचपन से यहाँ पर जो टहल रहे हैं, तो वैसे लोग का आदत छूट जाने से जो लोग जिम नहीं जाते हैं, जो लोग और कहीं नहीं जाते हैं, जो लोग अदर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, वहाँ ये वॉकिंग बहुत अच्छा वर्कआउट है। और जिन लोगों को यहाँ पे आदत है, जैसे हम लोगों के जैसे लोगों को आदत है, हम लोग पिछले 10 साल से जब हम लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, आज 1.5 साल से हम लोग यहाँ पे टहलने से वंचित है। तो अविलंब हम लोग को ये खोला जाए। हम लोग यहाँ पर जो आपका गाइडलाइन के तहत हम लोग सारा नियम पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे टहलने का काम। लोग यदि मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं पे धरना देंगे, हम लोग यहीं पे बैठेंगे और डीसी साहब से भी मांग करेंगे कि अविलंब इसमें जो आपका जो है इसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई किया जाए। झारखंड के निजी विद्यालयों की मनमानी वैश्विक महामारी के दौर में जारी है। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से निजी स्कूलों के मामले में स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, जिसके चलते निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर दबाव बनाकर जबरन फीस वसूली करने को लेकर हर दिन नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस साल भी कोरोना महामारी का दौर जारी है, स्कूलों में पठन पाठन बंद है। उधर जमशेदपुर के कई निजी स्कूलों ने अपने स्कूल के फीस में 10% का इजाफा कर दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कई स्कूलों को सो कॉज जारी किया है। सोनारी के खूंटाडी आरएमएस स्कूल प्रबंधन द्वारा भी स्कूल फीस में 10% का इजाफा किया गया है। इसको लेकर अभिभावकों में आक्रोश देखा गया। अभिभावकों ने खास अभिभावकों संघ बैठक कर फीस बढ़ाने का निर्णय लिए जाने का आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाते हुए इसे प्रबंधन की मनमानी बताई। इसको लेकर अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात कर फीस बढ़ोतरी अविलंब वापस लिए जाने की मांग की। मिनिस्टर के ऑफिस में प्रिंसिपल को बुलाया गया था सारा इंस्ट्रक्शन अपने ऑफिस का लेके आने के लिए। वो लेकर आई है, उनसे उनका क्या बात हुआ इसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो इनसे हमको पता चला गया है कि हमारे साथ तो एक धोखा हुआ है। जो हम लोग को पूरे अभिभावक को, मतलब स्कूल के किसी भी अभिभावक को इसकी जानकारी नहीं है कि इसमें से 4 अभिभावक को पर्सनली उन लोगों ने अपने ऑफिस में मिलाया है और साइन लिया है कि सभी अभिभावक के तरफ से वो साइन कर रहे हैं कि स्कूल में जो 10% बढ़ता है वो बढ़ाया जा रहा है करके। ये हमारे साथ धोखा हो गया। इस जगह में हम लोग थोड़ा सा ये पड़ गए, लेकिन जो हम लोग फीस कंट्रेक्शन बताया जा रहा है, ये पिछले साल हमारा 2020 में 930 ट्यूशन फीस था, लेकिन इस साल 1290 किया गया है। लेकिन इनको प्रिंसिपल कह रही है कि ये ट्यूशन फीस में हम लोग बढ़ोतरी नहीं किए हैं, केवल ये हमारा जो 10% है वो वही बढ़ा है और इसको बढ़ाना हमारा प्राइवेट स्कूल का नियम बना हुआ है। तो इसको हम फॉलो करें। और ये भी कहा गया है कि आप लोग अभी पूरे प्रिंसिपल के साथ बैठ के आप लोग एक बार बात कर लीजिए। जो 4 अभिभावक को मैंने पूछा है कि ये 4 अभिभावक का आप
एड्रेस नाम पता दीजिए कि वो स्कूल का है या नहीं है, इसकी जानकारी हम लोग पूरा पहले पता करेंगे, फिर उनसे बात करेंगे कि वो बिना पेरेंट्स को बताए ये कदम कैसे उठाया गया। टीकाकरण को लेकर राज्य से केंद्र स्तर तक हर विभाग द्वारा अपने अपने कर्मचारियों को टीका दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जमशेदपुर के बर्ममाइंस स्थित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सभागार में 18 प्लस कर्मचारियों व उनके आश्रितों को टीका दिया गया। इस टीकाकरण में धातु कर्म प्रयोगशाला के स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को टीका लगवाया गया ताकि प्रयोगशाला में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनमें संक्रमण का खतरा कम रहे। जानकारी देते हुए NML के वैज्ञानिक कृष्णा कुमार ने बताया कि 200 लाभुकों को जो 18 से 44 आयु वर्ग के हैं उनको टीका दिया गया है। इन लाभुकों में NML के कर्मचारी और उनके परिजन हैं। आज हम लोग बेसिकली जो हमारे यहाँ पे कार्यरत जो कर्मचारी हैं सभी प्रकार के, परमानेंट, टेम्प्रेरी, कॉन्ट्रेक्चुअल और उनके जो आश्रित हैं और उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके लिए हम लोगों ने ये शिविर लगाया है। उनको सुविधा हो वैक्सीनेशन के लिए इसके तहत शिविर लगाया गया है। उसको जमशेदपुर एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हम लोग को काफ़ी मदद मिली है जी। 18 से 45 का जो उम्र सीमा है उसके तकरीबन हमारा जो रजिस्ट्रेशन है तकरीबन 200 लोगों का है, उसमें से अभी 70% लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के मौके पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को कदमा इलाके में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पौधारोपण किया गया। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा कदमा मंडल के तमाम पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के नेतागण भी शामिल रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्क में पौधारोपण किया गया। भाजपाइयों ने इस दौरान कहा कि प्रकृति हमारी माता है और इनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। वर्तमान समय में आए महामारी ने हमें पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ा दिया है और इसी को देखते हुए भाजपा ने संकल्प लिया है कि देश भर में अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाएगा, साथ ही उन्हें संरक्षित भी किया जाएगा। पार्टी अपने युवा मोर्चा को झारखंड स्तर पर 3 से लेकर 6 तारीख तक वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक अभियान चलाने का आदेश दिया है। इनको मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने मंडल क्षेत्र में कोशिश करना है, हर बूथ क्षेत्र में एक वृक्ष जरूर लगे, उससे अधिक लग गया तो अति उत्तम है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कदमा मंडल के पूरे टीम के द्वारा जो पूरा ऊर्जावान टीम है ये सारे लोग मिलकर कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज ACC दुर्गा पूजा मैदान से प्रारंभ किए हैं। ये लोग अगले एक महीना तक कदमा मंडल के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग क्वालिटी का पेड़, कुछ छायादार पेड़ होंगे, कुछ फलदार पेड़ होंगे, सारे अपने दोस्तों का साथ मिलकर एक लगाने का लक्ष्य किया है। अगले 6 तारीख के बाद भी ये कार्यक्रम करते रहेंगे एक महीना तक। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत गदड़ा इलाके में पौधा वितरण किया गया। इस दौरान लगभग 100 पौधों का वितरण किया गया। सभी पौधे दुर्लभ प्रजाति के सीता अशोक के पौधे इनके द्वारा वितरित किए गए हैं। सीता अशोक का वृक्ष वृहद मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करता है, साथ ही ये अपने आसपास के वातावरण को ठंडा भी रखता है। टीम के सदस्य सुनील आनंद ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा हरियाली हो और इसी को ध्यान में रखकर निशुल्क पौधा वितरण अभियान चलाया जा रहा है। आनंद मार यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं PCAP की ओर से आज गदरा आनंद मार जागृति में निशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज खासकर सीता अशोक का पौधा का आज वितरण किया गया, औषधीय पौधा है और इसका प्राकृतिक के दृष्टिकोण से भी, पर्यावरण दृष्टिकोण से भी इसका काफी महत्व है। इसलिए लोगों के बीच में फलदार पौधे और भी औषधीय पौधे के साथ साथ आज सीता अशोक का पौधा का वितरण आज गदड़ा में देहात के लोगों के बीच में आज किया गया है। पर्यावरण के उद्देश्य से हम लोग पिछले काफी सालों से आनंद मार्ग प्राकृतिक कल्याण के लिए निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम चला रही है। माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था के उपाध्यक्ष अमित कुमार दोसाज को झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस इंटक के सचिव बनाए जाने पर NH 33 में गैरेज वर्करों ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। गैरेज वर्करों ने कहा कि अमित कुमार दोसाज
जमीनी स्तर पर मजदूरों की हमेशा मदद किया करते हैं और आगे भी करेंगे। इस मौके पर माई कंट्री इज माई फैमिली के अध्यक्ष मोहम्मद समीम ने कहा कि हमारे संस्था के उपाध्यक्ष अमित दोसाज को झारखंड कांग्रेस यूथ इंटक का सचिव बनाया जाना बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अमित जी हमेशा गरीबों के लिए निस्वार्थ काम करते आ रहे हैं और अब जब कांग्रेस ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो हमें उम्मीद है मजदूरों की समस्या जो भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, वेतन, शोषण, इस पर अमित जी समाज और सरकार को ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। उनके हक के लिए वे हमेशा तैयार रहेंगे। अमित जी, आपको सम्मानित जी, आज गैरेज गांव में मजदूरों द्वारा अमित कुमार दोसा जो माय कंट्रीज माय फैमिली के उपाध्यक्ष हैं, बहुत खुशी मिली है कि माय कंट्रीज माय फैमिली के उपाध्यक्ष अमित कुमार दोसा को झारखंड प्रदेश इंटेक का सचिव बनाया गया, जो कि मजदूरों के हित के लिए काम कर रहे हैं। अमित दोसा जी का सबसे बड़ी प्राप्ति है कि जमीन स्तर में रहकर लगातार 5 सालों से इस पर काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये मजदूरों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, मेडिकल है, शिक्षा है, क्योंकि हम रोजगार तक तो सीमित रहते हैं लेकिन उनकी जो मेन जो तरक्की का ये होता है उसका वो शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर सरकार का ध्यान दिलाएंगे और हमें खुशी है कि माय कंट्रीज माय फैमिली से एक अच्छे इंसान को कांग्रेस ने अपने एक जिम्मेदारी का पद दिया है। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।